मुरादाबाद भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि ताड़ीखाना स्थित पशु चिकित्सा मुरादाबाद में धांधलेबाजी चल रही है, जिसमें पशु की चिकित्सा कराने वाले व्यक्तियों से 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, बाहर से दवाइयां व इंजेक्शन भी मंगाई जाती हैं। चतुर श्रेणी कर्मचारी द्वारा चिकित्सालय में इलाज किया जाता है, जिसके चलते गौवंश पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जब कर्मचारी से भगवा रक्षा वाहिनी ने पूछा कि क्या आपने इनकी चिकित्सा स्वयं करते हैं, तो कर्मचारी द्वारा बताया गया कि डॉक्टर साहब हम पर प्रेशर बनाते हैं, यह चिकित्सा आप करोगे व 500 रुपए सुविधा शुल्क लेकर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार छत्री है, भगवा रक्षा वाहिनी से जिला परिषद बात की। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? सर ये जो चिकित्सालय पशु चिकित्सालय पे जो ये धांधलेबाजी चल रही है और जो ये पैसे लेकर अवैध रूप से ये पशु की चिकित्सा कर रहे हैं फोर्थ क्लास के कर्मचारी, इसके संज्ञान में हमने जिलाधिकारी से आपको ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज रोक दी जाए। अभी हमने ये देखा था कि तीन से चार गाय हमारी मृत्यु हो चुकी हैं। इसी महीने हमारी 3 से 4 गाय मार दी गई हैं। फोर्थ क्लास के कर्मचारियों से हमने जब उनसे कंफर्म किया तो उनका यह कहना था कि मैं हम लोगों से हमारे जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि किसी भी पशु की चिकित्सा करते हो आप तो 500 से 600 रुपये हमें लेकर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। पैसे लेते समय हम पे सारे सबूत सारी वीडियो हैं और क्या कहते हैं उनके द्वारा हमें यह भी बताया गया कि वो जो है डॉक्टर साहब वो बैठते नहीं हैं यहाँ पर और किसी भी प्रकार से किसी भी सूचना के लिए वो अपनी ही सूची लगाकर कार्यालय के लिए भेज देते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम ये भगवा रक्षा वाहिनी की तरफ से मांग ये करते हैं कि हमें हमारे जो भी पशु हैं उन्हें इंसाफ मिला जाए और किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाए।